ये है हिमालिनी नेटवर्क, आप देख रहे हैं हिमालिनी टेलीविजन, आपकी आवाज सबकी आवाज। नमस्कार, हिमालिनी टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। हिमालिनी से मैं वंशुल राजपूत। 1.0 अनलॉक 1.0, जी हाँ आपने सही सुना। 30 जून तक बड़ा लॉकडाउन शर्तों के साथ 3 फेज में शुरू होंगी सेवाएं। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर मोदी सरकार ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन 5.0 को लागू कर दिया है, जो कि 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। हालांकि इस लॉकडाउन को अनलॉक 1.0 नाम दिया गया है, क्योंकि इस लॉकडाउन में शर्तों के साथ कई चीज़ों को खोलने की इजाज़त दी गई है। मसलन शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दिए हैं और बताया है कि 3 फेज में सभी सेवाओं को बहाल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 लागू करने के साथ ही अनलॉक 1.0 को भी शुरू कर दिया है, यानी कि इस लॉकडाउन में कई चीज़ें शर्तों के साथ खोली जाएंगी और धीरे धीरे लॉकडाउन को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से इसको लेकर गाइडलाइन जारी की गई है और कहा गया है कि केंद्र इनके लिए SOP जारी करेगा ताकि कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके। 1 जून से लॉकडाउन खत्म होगा और अनलॉक 1 शुरू होगा। लॉकडाउन 5.0 सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू रहेगा। 30 जून तक ये लागू होगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ ज़रूरी सेवाओं की ही अनुमति होगी। अनलॉक 1.0 केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जाने क्या खुला और क्या रहेगा बंद। 8 जून से फेज वन की बात कर रहे हैं, 8 जून से धार्मिक स्थान, शॉपिंग मॉल, रेस्तरा खुलेंगे और इसके लिए SOP स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा। 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी कि रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक। फेज 2 की बात करें, स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर जुलाई में फैसला होगा। और आपको फेज 3 की बात करें, स्थिति की समीक्षा के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो स्टेशनों और सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, बार, असेंबली हॉल को खोलने का फैसला होगा। गाइडलाइन में आगे बताया गया है कि 65 साल की उम्र से ज़्यादा के जो लोग हैं, गर्भवती महिलाएं, पहले से बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। पहले की तरह मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी होगा। साथ ही भीड़ लगाना मना होगा। शादियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग इकट्ठे हो पाएंगे। 30 जून तक बड़ा लॉकडाउन, अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों। ये है हिमालिनी नेटवर्क, आप देख रहे हैं हिमालिनी टेलीविज़न, आपकी आवाज़ सबकी आवाज़।